अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब भाइयों को। उम्मीद है सब खैरियत से हो गए। तो जैसा आप सबको पता है आज है 31 सितंबर, कुदर है 21 हैगी ये सारे 31 चपेड़ा किसी को खाएगा बंद कर इनू। अच्छा आज 21 सितंबर है तो भाई वाम इतनी है और ऊपर से ये अंडर प्रेशर करी जा रहे हैं, पुलिस चौक लाएगी तो इंज होएगा उंज होएगा। तो अभी आया जल से काफी आई है, क्या शुक्र है। तो पीटीआई का जलसा देख सकते हो आप, 12 बजे ये अब्दुलरहमान भाई। हाँ जी, क्या कहेंगे आप, क्या हो रहा है आगे, क्या होना है बताओ आपको। सही होना है और क्या, यहाँ पे मुजरा थोड़ी होना है, जलसा ही होना है। नहीं तो अब क्या खबर है बताओ ना, क्या अपडेट दे रहे हो। अपडेट यही अली अमीन गंडा पुल के वारंटी गिरफ्तारी उन्होंने जारी कर दी है। अच्छा, देखते हैं क्या बनता है आगे, अल्लाह खैर करेगा। वो पता नहीं किसका खैर वारंटी जारी कर दी है, फिलहाल अभी इधर खड़े हैं, गर्मी बहुत है इधर देख सकते हो। फिर जलसे पे आए हैं वो भी, ये भाई ने कहा यार जाना है, मैं कहा चलो वहाँ जा। ये भाई भी आए, फिलहाल आगे जो जो होता है आपको सारी अपडेट देते हैं ऑनलाइन वीडियो पे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ताकि नई वीडियो आपको टाइम से मिले। इस टाइम वाम तो काफ़ी आई है ऊपर, नहीं यार चेक कर सकते हो, न्यूज वाले चेक करो किस तरह है। बाकी रिस्क वाली बात है ये भी, आगे आपको और आहिस्ता आहिस्ता अपडेट देते रहेंगे। बाकी जाके सीटअप दिखाते हैं कैसा सीटअप रखा है इन्होंने, तो सारा इन्जॉयमेंट वो दिखाते हैं आपको क्या उन्होंने रखा है। खान पीन का कुत्ते कोई नहीं इंतजाम नहीं रखे इधर अब्दुलरहमान भाई। हाँ जी, जलसे से लंगर संगर आ रही है अपनी मंगवाई है। पहला जलसा वेख्या जिसे खान पीन का निजाम ही कोई नहीं है। बाकी सीटअप दिखाते हैं आपको, कुर्सियाँ शुर्सियाँ लगाई हैं, ये सामने स्टेज है। अरे आप उसे ना वीडियो बनाने हैं, काफिला लै के असं पहुँच गए हैं, अजे तक दूजे नहीं आए आज। छो चोर सिपाही इन्हां मुल्क दी इह डंड लाई ते साडे जजां ने भी हद मकाई, इन्हां नूं जरा शर्म ना आई। ये सब ने चोरां दे यार बनेगा पाकिस्तान, हिम्मत करियो ए खान बनेगा पाकिस्तान। इस दौर के फिरौन के लिए अल्लाह ने मूसा भेज दिया हुआ, फिनिश। हर बात का निचोड़ ये कि इनका बंदोबस्त अल्लाह पाक ने कर दिया। आप इतने इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है जी, आप इतने दूर से आए हैं, आपको कोई परेशानी वगैरह तो नहीं? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है, परेशान करने वाले पैदा ही नहीं हुए हमारे। ये अभी आप, मैं आपकी फिंगर देख रहा हूँ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया जी। देखे मोहब्बत पीटीआई के साथ, एक्सीडेंट होने के बाद भी वो फिर भी जलसे रहा था। मैंने उस पर जो फर्स्ट एड दस्तियाब थी वहाँ पे मैं लगा के तो मैं आ गया हूँ। और चाचू बता रहे थे दिल का मसला है इन्हें, तो फिर भी इतनी दूर से मेरी मेडिसिन मेरे साथ पड़ी हुई है। जज्बा देख, लेकिन बात यह है कि मरना तो है। हाँ जी, एक दिन हर इंसान ने मरना है। हाँ जी, फिर खौफ से क्यों मर। सरकार मौला अली मुश्किल कुशा का फरमान है ना, सरकार मौला अली मुश्किल कुशा है कि कब्रस्तान के दरम्यान जो गुजर रहा है तो दरम्यान जाके रोका है जी। साथ वाले साथी पूछने लगे भाई यार अली इतने क्यों रोका है,
सरकार फरमाउन लगे कि मैं देख रहा भी कब्रस्तान भरिया पिया है, मर तां वैसे भी गए तो जे हक की गल से डट के मर जाना तो फिर इन्हों का मुकाम कुछ होर हों। मरण का जीण का मकसद होना चाहिए, जिंदगी का मौत का मकसद होता है। इंसान मरे भी तो किसी मकसद के लिए और जिंदा भी रहे तो किसी मकसद के लिए, और उस मकसद के लिए हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हम खड़े हैं। कोई खान को बंद करके ये ना समझे कि पीटीआई पे कोई हावी हो गया है, ये गैरेज नहीं है, ये मैदान है, यहाँ कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, कारकर्दगी यहाँ दिखानी पड़ेगी और वो हम दिखा रहे हैं। ये जख्म कुछ नहीं है, ये खून निकला, ये कुछ नहीं है। तो मैं ये मिला हूँ चाचू के साथ, तो इनका जज्बा देख के मैं खुद हैरान हो गया, क्योंकि पेशेंट है वो खुद, तो इतनी धूप में एक मैं खुद इधर आया हूँ, गर्मी की वजह से तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई है। तो हिम्मत है आपके चाचू, नहीं पियो तो ही मैं पीता, बाकी खुशी हुई है आपके साथ मिल के। शुक्रिया शुक्रिया जजाकल्ला। तो जज्बा देख लिया आपने इधर पी टी आई के कारकुनों का, फिलहाल अभी फोटो शूट। चलो चलो मोगे गड्डी नाल वजे ही थे, वो अगे चलदा वे नहीं आ गड्डी नाल वजे ते मोगे है ओए गड्डी नहीं चुकी ओ चल पे फिर ओ बुढ़िया से चल पे कहते हैं इमरान तेरे जानिसार होगी तो मुकामत होगी। हम कहते हैं नहीं, पाकिस्तानियों को उनका हक देना पड़ेगा। आईन हमने तोड़ना नहीं, हमने कानून को तोड़ना नहीं और आईन हमने छोड़ना नहीं। अपने हक के लिए हमने खड़ा होना, आप खड़े धूप आपको कुछ अल्लाह का वादा, यहाँ मैं भी होंगी ना, मैं बैठूंगी ना मैं आपको बैठने दूंगी, हम सारे लोगों को बताएंगे पूरा पाकिस्तान। इस वक्त इमरान खान आपको महसूस कर रहे हैं, अटियाला जेल में बैठा हुआ इमरान खान का दिल आपके साथ धड़कता है, उनसे इश्क करने वाली बुशरा इमरान खान उनको देखती है और इमरान खान अपनी आवाम और पीटीआई के कारकुनों को देखते हैं। अगर मैं स्टेज पे खड़ी हूँ इसी जगह से आई हूँ, जो फख्र है कि आज भी मैं इमरान खान की एक अदना सी कारकुन है। आपने नारा लगाना है, हमने तकरीरें नहीं करनी, हमने नारा लगाना है। आपके कदम बताएंगे कि आप इमरान खान से कितना प्यार करते हैं। अभी बाएं बाएं यार रास्ता नहीं है वापसी का भाई है जान दे
का जलसा ने इनके मुंह पे एक तमाचा नसीब किया है। इन्होंने 500 रुपए अंदर चढ़ी की है। इन्होंने एनओसी के नाम पे हमारे साथ ड्रामेबाजी की है। अभी भी रास्ते बंद है, अभी भी किसी को नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद आपके जज्बे का सलाम है कि आप यहाँ पे आए और आपने इमरान खान साहब का साथ दिया। आपने इमरान खान का साथ हमेशा खड़े रहना है। इमरान खान साहब इंशाल्लाह ताला जल्द आप दोस्तों की ताकत की वजह से हमारे दरमियान मौजूद होंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का के NAA शेरनी।